बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? बस थोड़ा यार बिजी हो गया था, इसमें वीडियो नहीं डाल सक रहा था। और आपको पता है बारिश हो रही है, काफ़ी काम थे, अभी अफ्रीका में इतना काम बाकी था तो सारे काम आपका करने थे। कुछ चार मार की नहीं फ्री आई है, इंशाल्लाह मैं बहुत ज़रूर आपको दिखाऊंगा, मौसम दिखाना है। तो इंशाल्लाह सितंबर के एंड में जाएंगे पंजाब में, पंजाब का भी शौक आपको दिखाएंगे भाई। अभी नई नई आदमी आपको आपको मतलब ब्रीडिंग करो क्या करो, और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको सस्ता माल दूंगा, सस्ता माल सीज़न पे, तो आपको मंडी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मंडी से सस्ता माल इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, मंडी इतना ही रेट होगा, बाकी अच्छा माल होगा, कलरफुल माल दूंगा, हर चीज़ दूंगा। ये मैंने एक दिमाग अपना बनाया है, इंशाल्लाह उस तरफ से करेंगे काम। अलहमदिल्ला जिसने पढ़ाई पर माल दिया, अलहमदिल्ला माल बहुत अच्छी तरह से पड़ रहा है, फिट पाट पड़ रहा है। अभी देखिए बारिश हो रही है, अलहमदिल्ला हमारा माल बिल्कुल सेहतमंद फर्स्ट क्लास खड़ा हुआ है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगस्त के अंदर इरादा है कि बस ये सितंबर ही ख़त्म हो गया, समझो सितंबर चल रहा है, अब सितंबर की अब देखें अक्टूबर या नवंबर में देखेंगे नया बड़ा फार्म जिसकी कैपेसिटी होगी 200 माल की, फिर माल रखेंगे, छोटा माल पालेंगे अपने पास, गायें भी देंगे, छोटा माल पालेंगे आप लोग को देंगे इंशाल्लाह, छोटा माल लेके उसको पाल कर आप लोग को ही देंगे। इसके फिर वो छोटा माल होता है तो हर आदमी की कैपेसिटी से 1.5-2-3 लाख 3.5 लाख मतलब 5 लाख के अंदर अंदर का माल मेरा इरादा है दफ़ा लेके आना और उसको बेच आप लोग को देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, और कुछ फार्मूले आपको बताने हैं कि अभी देखें सर्दी, अभी तो देखें बारिश पड़ रही है, तो बारिश में जिस जिसका माल है गुड़ दो, बस गुड़ देना और कुछ नहीं देना, आप उसको गुड़ देते जाओ तो माल गर्म रहेगा तो सेट रहेगा, कोई इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करना, खाली गुड़ ऐड करो, इसलिए इतनी ठंडी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको देनी है, आपको डे बाय डे बताएंगे। आपको लास्ट टाइम जो तो ग्राई वाटर बताया था, एक दफ़ा और बनाऊंगा ग्राई वाटर, और आपको दिखाऊंगा ग्राई वाटर होता है क्या है। ग्राई वाटर क्या, मेरे पास दो नुस्खे हैं, वो मेरे को आपको दिखाने हैं दोनों चीज़ को, आप इसका एप्लीमेंट करना इंशाल्लाह, अफवा का भी आएगा, माल का खाना भी खत्म होगा और माल ऊपर जाने ऊपर की ज़्यादा हो जाएगा। और असल में जब ईद के बाद आपको पता है आदमी अपने कामों में लग जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से नहीं करता, तो मैंने बोला यार चलो आज छोटा सा मैसेज दे दूँ, अगर मेरे काम वाले ने वहाँ वीडियो बना लिए तो वो अटैच करेंगे इसके साथ, बाकी तो फिर ये मेरा जो मैसेज है वो दे रहा हूँ भाई। माल पलता है, मैं तो 100 दफ़ा बोल चुका हूँ, नसीब से, नसीब के अलावा कुछ भी नहीं पलता, हर आदमी का माल पलता है, बड़ा फार्म वाला भी वही पालता है जो हम पालेंगे, बस क्या होता है जगह छोटी बड़ी का मसला होता है। अभी जितना हमारे माल था हमारा हो गया फार्म फुल, अभी माशाल्लाह माशाल्लाह 44 माल हमारे पास है, 3 माल आने वाला है, और जो मेरे को पंजाब से जाके उठाना है वो माल उधर मैंने ले तो लिया था 2 महीने पहले, बस वो बारिश के चक्कर मैंने उठाया नहीं था, तो टोटल 47 माल है, तो टोटल 47 माल पालना है, और जिसका माल है उसको डिलीवर करना है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जैसे बॉस दिखाया था ना, तो एक आपको भेज देता हूँ इंशाल्लाह, बॉस का भाई पाल रहा हूँ, बॉस टू नहीं, बॉस टू तो हमारे पास खड़ा हुआ है जिसके, वो तो अमानत के तौर पर खड़ा हुआ है। और एक हमने एक बछड़े का नाम हमारा है, आप लोग सब जानते होंगे, वो बछड़ा मैं इंशाल्लाह वक्त पे दिखाऊंगा और चैलेंज के तौर पे दिखाऊंगा, और मैं बोलूंगा कांटा करूंगा इसका, तो कांटा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, हम लोग को पता चलेगा किसको बोलते हैं। बॉस कटर फार्म ने पहले भी चैलेंज मारा था, दावा करा था कि इससे बड़ा बछड़ा नहीं होगा, इससे वजनदार बछड़ा नहीं होगा, आज भी यही बोलता है कि मेरे इंशाल्लाह मेरा बछड़ा मैं पाल रहा हूँ, इंशाल्लाह हर साल एक एक बड़ा बड़ा बछड़ा दिखाऊंगा, हाथी के बच्चे दिखाऊंगा, और वजन वाला बछड़ा, चर्बी वाला बछड़ा नहीं, वजन वाला बछड़ा जिसके अंदर गोश ही गोश होगा, चर्बी नहीं, चर्बी से तो फुला हुआ माल होता है, आप लोग रखते हैं बहुत हेवी है, बाकी होता ही नहीं है, जो गोश का होगा ना इसके अंदर गोश की होगी मिकदार वो होगा हेवी, तो गोश चढ़ा रहे हम लोग अभी, चर्बी नहीं चढ़ाते। तो इंशाल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें आप चढ़ाने वाले हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं इंशाल्लाह, इस साल देखना आप, आपका दिल खुश होगा। कोशिश तो मेरी ये, इस बछड़े को मैं ले जाऊँगा पंजाब, पहले पूरे एरिए कराची को मैं दावत दूंगा, पहले मेरे फार्म पर हर कोई कराची वाला आकर हमारे दुआ करना ये बछड़ा जीते पंजाब में, उसके बाद मज़ा आएगा आपको कामगार को दिखाने का। आपको आप सब आके देखना, आप लोग सब हम इंशाल्लाह, अगर मेरी सबको दावत है ये ले कराची जाएंगे इंशाल्लाह, फैसलाबाद बछड़ा उतारेंगे वहाँ, और वहाँ जितने वहाँ करेंगे, किधर जिधर इंसाफ हो बंदा वहाँ ही करता है। अब कराची के अंदर भी है
तो इस साहब ने बोला फंक्शन वहाँ बनाएंगे इंशाल्लाह, बछड़ा वहाँ उतरेगा तो देखने वाला देखेगा बछड़े को इंशाल्लाह। इस साल भी बछड़ा, अगले साल का भी बछड़ा मेरे पास है, और वो बछड़ा, और जब मैंने इसको लगेगा कि बछड़ा उस लेवल पे आ गया है तो मैं चैलेंज करूँगा पूरे कराची को, क्या पूरे पाकिस्तान में उतारो उतना हैवी बछड़ा। वो हमारा बॉस है, वो है फर्स्ट नंबर का, इस साल वो ही जीतना है उसको, बाकी उससे सेकंड नंबर हम तो करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड नंबर तो हमारा ही है, तो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड है। अगर रुक गया अगले साल फिर कोई नहीं जीत सकता हमारे बछड़ों से, हमारे ऐसे हैवी बछड़े हैं। और इंशाल्लाह आगे भी दिखाएंगे आपको माल का, चशका भी दिखाएंगे, शौक भी दिखाएंगे। शौक बंद नहीं होता, थोड़ा मसरूफ हो गया था बिजनेस का भी, आपको पता है थोड़ा कारोबार भी करना है, हर चीज़ें करनी है, तो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी बाकी हैं, तो अभी उसमें कुछ एडमेंट करेंगे। अभी मैं सुबह से खाना नहीं खाया आज तक, दौड़ दौड़ा कर उधर से भागो इधर भागो उधर से भागो इधर, सब में गाड़ी बेच डाली थी अपनी, एक गाड़ी भी ली थी, कुछ नया पासपोर्ट बनाना है हमारा, तो उसमें भी थोड़ा बिजी था। तो मैंने बोला यार चलो आज ब्लॉग डालते हैं, कि मेरे ऑडियंस इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ौरन पे ब्लॉग नहीं डाल रहे, क्या मसला है? मसला मसला कुछ नहीं है, थोड़ा बिजी हो गया था। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब कल आएंगे नए शॉप के साथ, अगर वो क्लिप आ गई तो अटैच करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, या दूसरी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी चीज़ ये है, 2:15 2:20 पे फरहान भाई का भाई है बिलाल भाई, उसने मुझे फ़ोन किया था, अशरफ भाई कहाँ है? मैंने बोला बाड़े पे बैठा हुआ हूँ, तो उसने बोला गड्ढा पे आ जा, काम में थोड़ा जल्दी आ। मैं यहाँ से बाइक पे निकला, बंदूक को बोला, मैंने बोला वंडा करो मैं जा रहा हूँ, सेठ फ़ोन कर रहा है गड्ढा पे जाना। दूसरी पुरानी बाइक, ये बाड़े की बाइक थी, इसी बाइक में मैं गया, दूसरा बंदा भी साथ में रफीक मेरे साथ था, मैं गड्ढा गया, मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, भाई कहाँ हो आप? उसने बोला मैं शोरूम पे खड़ा हूँ, शोरूम पे आ जा। पता नहीं कौन सा नाम बताया शोरूम का, शोरूम पे खड़ा हूँ, शोरूम पे आ जा। मैं शोरूम पे गया तो बिलाल भाई ने ये चाबी मुझे हाथ में दी गाड़ी की, अशरफ भाई ये आपके लिए गिफ्ट है, तो ये मैं लेके आया। तो मैंने बोला आज वीडियो भेज रहा हूँ फरहान भाई को, तो उसके साथ ये भी भेज दूँ, तो भाई बिलाल भाई ने ये मुझे गिफ्ट दिया, ये भी आप देख लें, मेहरबानी बिलाल भाई की, जो ये इतना खर्चा करके मुझे बाइक दी, और फरहान भाई की भी मेहरबानी, और बिलाल भाई की बहुत मेहरबानी हुई है जो ये बाइक मुझे दिलवा दी, 25 मॉडल पटा 25 का है। तो ये वीडियो के साथ आएगी, ये भी बिलाल भाई की मेहरबानी है, इंशाल्लाह फरहान भाई आएगा तो उसके साथ दूसरे शो के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ये चार माल अभी नई एंट्री आई हुई है, आज तो 4 तारीख है भाई, ये माल आया है तकरीबन 2 तारीख भी आया है, 2 दिन हुआ है, माल का पेट साफ भी किया है, और आज से वंडा भी स्टार्ट है, वैक्सीन भी करनी है, एक दो वैक्सीन भी हो जाएगी आज, एक दो दिन में। ये चार माल आया है पंजाब से पलाई पे, ऐसी माल का 6 माल पहले भी आया है, बकाया 4 माल दोबारा भी आ गया है। तो फरहान भाई, मैं तो कभी बात मैंने तो कभी नहीं की है, तो आज फरहान भाई नहीं है उस वजह से मैंने बात की, मैं ही बात कर रहा हूँ, मैंने बोला ठीक है आज मैं ही बना के भेज रहा हूँ। फरहान भाई अफ्रीका चला गया, मसाला घुमाया बरा। तो ये है बछड़ा, पहला बछड़ा ये है, 3 माल और भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। बछड़ा अच्छा है, थोड़ा टूटा हुआ है इस वजह से, घुमा घुमा
दो दो रस्से लगे हुए थे, आज तो मैंने रस्सा भी इसका हटा दिया है। ये पहला बछड़ा है, दूसरा बछड़ा आ रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। और दूसरा बछड़ा ये बछड़ा खीरा है, हाथ पांव भी अच्छे है बछड़े के, तो खीरा है बछड़ा। वो पहले जो आया वो दो दांत पे भी चार कर रहा है, वो का चार कर रहा है, ये बछड़ा खीरा है। मुझे तो ये भी पता नहीं है यार किस तरीके क्या बात करनी पड़ेगी। सुन रहा हूँ फरहान भाई बात कर रहा है, मैंने पहले बार आज बात की है, उस वजह से थोड़ा घबरा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर लेना। ये 6 माल इसका पहले भी आया हुआ है, ये 4 अभी आया है, 10 माल हुआ है एक ही मालक का। तो माल तो सही है, टूटा हुआ माल आया है तो वह। और आगे बात करता हूँ, ये इसी वीडियो में पहले भी एक फरहान भाई कुछ बोला था या नहीं बोला था, एक भाई नाराज़ हो रहा था तो यार माल की आगे पीछे कर लिया, ये हो गया, ये फरहान भाई आगे पीछे कर रहा है वीडियो में, तो जो है ये आपके सामने है। आज 4 तारीख है, इंशाल्लाह अगली 4 तारीख को दोबारा इस माल का वीडियो वापसी आपके पास आएगी। अभी तो माल को ये भी पता नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, घुमाए नापा झालर भी अच्छा है। ओ यार माशाल्लाह भी बोलते रहना। पहले जो एक पहले आया, दूसरा ये और बकाया माल जो आ रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये तीसरा बछड़ा ये भी आ गया, ये भी बछड़ा अच्छा है, कोर्ट्स का है, इसको कोर्ट्स के भी पूरा भरा हुआ है, हाथ पांव बछड़े इसके भी अच्छे है, अभी कोर्ट्स का बहुत है इसको। दूसरा तो ये टूटा हुआ है खीरा, बिल्कुल टूटा हुआ है बछड़ा, इंशाल्लाह ये भरे वाले माल की और टूटे की माल की अगले महीने में बात करेंगे, 4 तारीख को या अगली 4 तारीख को बात करेंगे। भाई वो जो माल आया ये आप देख लें, और मुझे बात करना नहीं आती है क्योंकि फरहान भाई ये बात करता है, मैं तो सिर्फ फ़ोन ही पकड़ता हूँ। आज फरहान भाई नहीं है तो वहाँ से अफ्रीका से उसका फरहान भाई की कॉल आ गई, तो भाई वीडियो बना के भेज, वो भी यूट्यूब पर भेजना, उस वजह से मैं भेज रहा हूँ। भाई थोड़ा आगे लेके जा, ये बछड़े का पीछा देखो, माशाल्लाह बोलना, ये आ रहा बछड़ा भी। ये चेहरा देख, बछड़े का चेहरा देखो, और ये झालर, कोर्स का बहुत है बछड़े को। ये पीछा बछड़े का दुम भी देख लो। चल भाई ये बांध के दूसरा ले गया, अभी वो आखिरी चौथा बच्चा आ रहा है, वो भी आपको दिखा दूँ। चौथा बछड़ा ये आ गया बच्चा, इसका भी हाथ पाँव नाफा ज़्यादा देख लो, ये सब चेहरा देखो सीधा कर, दूसरी बात तो यार मेरा फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं है, उस कैमरा फ़ोन की इतनी अच्छी नहीं है। फरहान भाई वाला फ़ोन भी फरहान भाई के साथ है, और ये मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत बात जो फरहान भाई भी करेगा वो भी इसके साथ भेजेंगे। ये वाला बछड़ा देख, 3 दिन हुआ है माल आया है, वो आया है 4 तारीख को, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 तारीख को है माल को, 2 तारीख को माल उतरा है यहाँ पे। आगे लेके जा, आगे लेके जा, घुमा के आओ।
इसको मालिक भी वीडियो देखेगा देखेगा, क्योंकि पहले भी वीडियो तो चैनल उसका देख रहा है फरहान भाई का, उसी पर देखेगा तो भाई बोलेगा यार आज वीडियो में मज़ा नहीं है। भाई वीडियो में मज़ा ऐसा